जय श्री राम। क्या सलाम अलैकुम। हाँ वालेकुम सलाम। कैसा आना हुआ आज? आज तो हमारी ईद है। ये ईद की खुशी में सेवैयां लाया हूँ। हाँ अंदर आ जा। अच्छा और सुना, खुशबू तो बड़ी शानदार आ रही है। क्यों नहीं आएगी साजिद भैया, अरे हमारी पत्नी ने बड़े ही मेहनत से बनाया है। ये कैसी सुगंध है, तुम्हारे घर में क्या पक रहा है? वही बकरे ही गले जी। क्या अब आज के दिन भी तुम लोग बकरा काटते हो? नहीं नहीं बाहर से कटवाते हैं। मतलब काटना है यार? ये साला तुम मुसलमान लोग हर त्यौहार पर जानवर की क्यों बजाते हो? मजा आता है, कलेजी पाए टिक्के पलाव बिरयानी। तू करे तुझे भी काट दें, तू भी कम नहीं है। क्यों करते हो यार ऐसा? अरे छोड़ ना यार, इस बारे में बात कर चुके हैं ना पहले हम डिटेल में, और तुझे समझ भी आ गई थी, बहुत है। और सुना, सो रहा था क्या? हाँ ईद के दिन भी सो रहा था। हाँ यार रमजान में नींद पूरी नहीं हो पाती ना, तो नमाज के बाद ज्यादातर लोग सो जाते हैं। हाँ सोते रहो, वैसे भी ईद के बाद तो तुम मुसलमान लोग सो ही जाते हो। क्या मतलब? और क्या, रमजान के महीने में मस्जिद के आगे इतनी सारी मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ, फुल रश लगा हुआ होता है, ऐसा लगता है पुरानी गाड़ियों का बाजार है। और जैसे ही रमजान चले आते ईद गुजर जाती है तो हर मस्जिद के सामने दो मोटरसाइकिलें और एक साइकिल, वो भी मौलवी साहब की। अच्छा ये तो तुम्हारे भी होता है, आम दिनों में मंदिर में घंटा सिर्फ हवा से हिलता होता है, और जैसे कोई त्यौहार आया था सारे पहुंच जाते हैं, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, किसना किसना बोल। अबे पूरे साल याद नहीं आती भगवान की? अरे भैया रमजान का मकसद ये होता है कि जो मुसलमान अपनी दुनियावी मसरूफियात में मसरूफ होके इबादत और मसाजिद से दूर हो जाते हैं, वो रमजान के बहाने दोबारा मसाजिद में आते हैं और इबादत की जानिब राग़िब हो जाते हैं। अगर मजहबी त्यौहार और महीने ना होते ना तो आज कोई भी मजहब से करीब नहीं होता। वैसे ये जो तुम लोग बिला वजह सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहते हो, बहुत रहम आता है कसम से। जबान ऐसे बाहर आई हुई होती है तुम लोगों की, और ऐसे पसीना पोछते हुए तुम लोग काम पे जा रहे होते हो टाइम देखते हुए। अभी जब तुम्हारे अल्लाह ने तुमको इतना कुछ दिया है तो खाओ पियो, भोजन का अपमान काहे करते हो बे? इसीलिए रोजा रखते हैं ताकि भूख और प्यास से जबान बाहर आ जाए, भूखों और प्यासों का एहसास पैदा हो। अल्लाह ताला ने रिस्क देने के साथ साथ रोजा रखने का हुक्म इसलिए दिया है कि ताकि कोई इंसान रिस्क की जखीरा अंदेजी करके लोगों पे जुल्म ना करे और रिस्क को गोदाम में सड़ा के उसकी बेइज्जती ना करे। लॉजिक है, जब भी रमजान का सिस्टम बना है तुम्हारे धर्म में। वैसे हम भी उपवास रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ भोजन का उपवास होता है, पानी पी सकते हैं। हाँ तो अल्लाह जितनी हिम्मत देता है उतनी तौफीक देता है। क्या? कौन तौफीक? कुछ नहीं। साजिद भैया तुमने पूरे रमजान रोजे रखे, भूखे रहे प्यासे रहे, तो बस अपने इस हिंदू भाई की तरफ से ये सवैया इनाम समझ के खा लेना। यार तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है यार, हालांकि मैंने इस रमजान एक रोजा भी नहीं रखा तब भी तू मेरे लिए सवैया लेके आया। क्या बात है यार तेरी। क्या तूने एक भी रोजा नहीं रखा? पापी मूर्ख अपमान, घोर अपमान, घन घोर अपमान। अबे क्या टोने कर रहा है मेरे घर में? मूर्ख है तू, तेरा बाप, तेरा पूरा खानदान। साले इतनी देर से तू ज्ञान बांट रहा है, तेरे त्यौहार के एहतराम में मैंने दाढ़ी बढ़ा ली, लोग मुझे झुक झुक के सलाम कर रहे हैं, उनके सामने पानी नहीं पी पा रहा, बाथरूम में जाके छुप छुप के पानी पी रहा हूँ मैं, और तू साले तूने एक भी रोजा नहीं रखा। और अबे रुक ना, सुन तो ले मैं क्या बोल रहा हूँ। वो इस काबिल ही नहीं है कि तू सवैया खाए। अबे सवैया तो रख दे यार। सवैया तुझे मैं अपना शराब ना दूँ, पापी मूर्ख कहीं का। अबे पंडित के बच्चे बात तो सुन ले मेरी, क्यों कान में घंटे बजा रहा है? ये सवैया मैं किसी रोजेदार को दे दूंगा। अबे आज किसी का रोजा नहीं होता, रोजा रखना हराम है आज के दिन। मैं किसी कुत्ते को डाल दूंगा। मतलब तू ही खाएगा? पापी मूर्ख कहीं का।
पता नहीं किस गुनहगार के सामने आ जा मैं। अबे सुन तो ले, अबे मेरे पित्ते का इलाज चल रहा है भाई, दवाई खानी पड़ती है मुझे, जब ही छोड़ दिए रोजे, रोजे रखूंगा मैं ईद के बाद यार, सिवाई तो दे दे। चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई दोस्त रूठा है ना तो सेवैया बना के पहुंच जाए, अच्छा मौका है। सब्सक्राइब।